राधे राधे दोस्तों, सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ अपनी पहली चाय। बस दूध खोल ही रहा है, इसमें चीनी चाय पत्ती डाल दे रहे हैं। तो हम लोग की चाय बनके रेडी है और आप लोग भी सुबह की चाय का आनंद लीजिए। और माँ पकड़ के पी रही हैं ग्लास, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है माँ। गर्म हो गया है। राधे राधे माँ, राधे राधे। सुबह की हमारी एनर्जी ड्रिंक आप पीने के लिए आप सभी का स्वागत। मेरा बेटा होता है एनर्जी ड्रिंक है, पीने से एनर्जी मिलता है। लेकिन सही में सुबह की चाय न मिले तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। तो ये एनर्जी माँ बोल रही है, एक तरह का नशा ही है, नशा ही है, चाय का नशा हो गया हम लोग को। मतलब उठे हुए 1 घंटा हो गया लेकिन आंख अभी भी लग रहा है कि बंद ही है। चाय पी लेंगे तो फिर मन फ्रेश और काम में लग जाएंगे। चाय तो हमारी हो गई लेकिन आज कोई प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज है भारत बंद। विभिन्न संगठनों ने आज वही अग्निवीर या टॉट के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। और जिस तरह से आगजनी वगैरह बिहार में हो रहा है तो कुछ भी कहना, मतलब ये कौन सा प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि आप इतना ज़्यादा नुकसान सरकारी संपत्ति का करें, जबकि हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सरकार, भले ही सरकारी संपत्ति हम बोलते हैं, नतीजा है जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसी से ये सब बनाए जाते हैं। बल्कि यही सब नहीं, कोई भी निर्माण का कार्य होता है या कुछ भी ऐसा वेलफेयर का काम होता है तो हमारा भी उसमें योगदान होता है जो हम टैक्स पे करते हैं। जिस तरह से पार्सल का हम देखें, पार्सल में बहुत सारी गाड़ियां आई हुई थी और आग लगा दिया गया, बहुत सारे सामान थे उसमें आग लगा दिया गया, तो वो तो किसी न किसी की प्रॉपर्टी थी जिसको जला दिया गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए, मतलब हिंसात्मक न हो वो इतना ज़्यादा आगजनी और ये वो करके। मतलब इतना प्रॉब्लम हो गया कि मेरा भतीजा जो हल्द्वानी में रहता है तो उसको जाने के लिए गांव से यहाँ पटना तक वो आया बाय रोड, पटना से फिर उसको बाय बस लखनऊ जाना पड़ा, फिर वो वहां से बरेली जाएगा और बरेली से फिर वो हल्द्वानी जाएगा। तो एक बच्चा जब घर से निकलता है और इस तरह का सफर तय करता है तो घर के सारे लोगों का ध्यान उसमें लगा रहता है कि वो सेफली पहुंच जाए। तो इस तरह से सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, बहुत लोगों की बात है। बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, बहुत प्रॉब्लम में लोग हैं और इस तरह से प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल से कहीं से भी उचित नहीं है। क्या आज वो भर्ती निकलेगी तो लोग नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और आपको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि 4 साल बाद आप उसको उसमें रह भी सकते हैं। अगर आप उस योग्य हैं तो आप उसमें रह भी सकते हैं या फिर आप बाहर निकल सकते हैं बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हुए। आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, आपको इतना अच्छा वहां पर डिसिप्लिन मिलेगा कि आप इस कदर चमकने लगेंगे और लोगों से कुछ अलग आप होंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि जॉब्स में रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो आप उसको एक डिग्री की तरह क्यों नहीं देखते हैं कि वो 4 साल की आपकी एक स्पेशल डिग्री है? खैर ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी को ये राय मानने के लिए बाध्य नहीं कर रही, मतलब मुझे जहां तक लगता है। और खैर मैं ये मना भी नहीं कर रही, लोकतंत्र में हम जीते हैं तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा है ही, बच्चे करें प्रोटेस्ट इसमें कोई, लेकिन बच्चों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही सब है, तो आज भी निकलना पोस्टपोन ही है कहीं बाहर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बदमाशी शुरू हो गया, यही फुट मसाज दे रहा था तुमको बेटा। छोड़ो हम खुद कर लेंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो आ रहे हो अरे वो टूट जाएगी गिर जाएंगे बेटा।
मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इधर, तो मेरे सिर में भी दर्द रह रहा है और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत। तो ईशान आया है मेरा हेड मसाज दे, हेड मसाज है, टॉर्चर कर रही है हमको। नहीं ईशान हमको टॉर्चर कर रहा है। आप गलत बोलती हैं माँ। ओके आई एम सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ। ईशान मेरा हेल्प कर रहा है, सिर दर्द निकाल रहा है ठोक ठोक के। अरे मेरी जानू, तो सारे बच्चे अपनी मम्मी का इसी तरह से सेवा कीजिएगा। दो मिनट नहीं हुआ है और इसके हाथ में दर्द होने लगा। वो बोल रहा है मम्मी हाथ में दर्द हो रहा है। चलो उससे अच्छा हम थोड़ी देर सो ही जाए, लेट जाएंगे तो सिर दर्द आराम हो जाएगा। सो जाए तो आराम। ईशान चोट लग गया बेटा, गलती से मामा प्लीज मत करो ऐसे। ये क्या तरीका है, तुम खुद शुरू किया था ना खेलना। अकेले ईशान लूडो खेल रहा है, दादी को बोला था, दादी का तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा है। आप खेलो ना। मेरा तो और ज्यादा खराब है ईशान, हम तो देख भी नहीं सकते। खराब ही रहता है ईशान, गुस्सा हो गया है हम लोग पर। तो अकेले खेलोगे ना बेटा तो हारोगे नहीं। अंकित भैया को बुला लो। अकेले खेलने वाला बच्चा कभी हारता नहीं है ईशान। आई जब खेलेगा ना तो सांप सीढ़ी खेलेगा लूडो में, क्योंकि हमको वो वाला आता नहीं है। आता नहीं है, आता क्या है, आता क्या है। इस सीजन का पहला घाव निकल गया, जख्म निकल गया ईशान के पैर पे। तो डॉक्टर बोले, दिखाने कल भैया ले गए थे, बोले कि आम खाने का नतीजा है। बोले कि आम बहुत खाते हो क्या, आकर पूछे थे कि आम खाता है ईशान। बोले इसको तीनों टाइम मिलेगा तो तीनों टाइम आम खाएगा। आम खाने का नतीजा निकल रहा है ईशान का, गर्मी के कारण भी है और फिर आम खाने से, ज्यादा आम खाने से भी निकलता है घाव। तो अभी उसका दवाई खा रहा है, तो आज तो आम नहीं खाएगा ईशान, गुस्सा है। तो डेली ना खा रहा है माँ, दो खाए या एक खाए, डेली ही ना खा रहा है। अब ईशान गुस्सा हो गया, अब सारा सामान अपना समेट रहा है, अब कुछ नहीं बोलेगा किसी से। तो खाना ही खा लो ना, पौने तीन हो गया, खाना खा लो, खा के सो जाओ। थोड़ा देर सोएगा क्या, 7:30 में लड़का उठा है। ईशान इचू 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 इचू, सारा डब्बा उसका जो पहले पहले घड़ी वगैरह का है और चश्मे का कवर का है, देखो जा। नाराज बच्चा कहाँ छिपता है बेड के नीचे, नाराज बच्चा कहाँ छिपेगा बेड के नीचे। मम्मी झुक नहीं सकती है बेटा, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे। ठीक है, बाय बाय बेटी। उधर का धूप के कारण माँ बालकनी का दरवाजा बंद कर दी है। ये वाला पे क्लास ना ऑनलाइन कर रहा था माँ, ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो हम सोचे थे चेंज कर देंगे फिर। मम्मी गिर जाएगी माँ, कहीं ईशान को गर्मी लगा है, छिप के आया तो ईशान को गर्मी लग रहा है, वैसे चलाएगा। तो यही है हम लोग का, हंसी मजाक चलते रहता है, खेलते रहता है ईशान हम लोग के साथ, हम लोग ईशान के साथ खेलते रहते हैं। खेल नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हो तो गुस्सा, हम गुच्छा है, देखे जरा मुंह देखे, गुच्छा वाला का मुंह देखे। ए ईशान ये पैंट उतार दो बेटा, ये तो क्लास की वजह से मम्मी पहना दी थी ना, हल्का पैंट पहन लो, जो ये घुटना के ऊपर जो रहे छोटा सा पहन लो, छोटा सा चड्डी पहन लो, चड्डी चड्डी पहन के रहो, चड्डी पहन के। हमारा खाना पीना हो चुका है और माँ लेटी हुई है क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और ईशान भी खा चुका है, मेरा भी बीपी बढ़ा ही हुआ है, तो हम भी थोड़ा खाए हैं तो रेस्ट करते हैं। और ये मेरा बेटा आ गया था। माँ छत का चाबी नहीं है, छत का चाबी नहीं है, मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, समझने लगा कि छत खुला है, छत का चाबी नहीं खुला है बेटा। अरे घर इधर, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ईशान बड़ा हो गया तो इसको समझ में आने लगा कि अब यहाँ पर इस बोलते की हाउस में छत का चाबी नहीं है, तो इसका मतलब छत खुला है, छत खुला नहीं है बेटा। बड़ी मम्मी गई थी, अगर दादी को पता नहीं होगा कि ये छत का चाबी नहीं है, तो आप तो दादी बोलेंगी आपको
एक निया सुना ना कि ना लगत हो ना कि ना कोई गईल हो छत पर तो चाबी नहीं है तो का करम। ट्राइंग टू स्पीक भोजपुरी माँ भी यहाँ कंबल में मुंह छिपा के हंस रही है। माँ कैसे 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 इसको सिखा दीजिए, माँ कैसे बोलिएगा भोजपुरी में? हम तो बोल बोल कर ही नहीं, अपने से कैसे बोला? हिला रहा इसु इसु हम गिर जाएंगे। नानी है के बोली बोला। नहीं माँ मगही तो ऐसे बोला ही नहीं जाता है, कैसे बोलिएगा माँ भोजपुरी में जरा इसको सिखा दीजिए। हमको नहीं उतना आता। ईशान की दादी यूपी की है, बलिया की, मतलब तो वो भोजपुरी बोलती है। और यूपी मतलब माँ उत्तर प्रदेश की है माँ। योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ईशान शुरू हो गया। दादी यूपी की है और दादी ईशान को कहीं घुमाने नहीं ले गई यूपी में? दादी जाती है कि घुमा, दादी के देह अपना घर नहीं ले गई, अपना घर नहीं ले गई। सोचा रहे बाबू मेरा दादी घर है वो, मेरा दादी घर, दादी का ननी, हाँ दादी का वो मायके है अभी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा घर हम नहीं जानते बेटा। ननिहाल ही बोलोगे तुम भी, जैसे पापा का ननिहाल हुआ तो आपका भी वो ननिहाल ही हुआ। नैनीताल हमको लगा आप गलत बोल रहे इसीलिए बोल दे। नहीं ननिहाल बोलते हैं, नानी घर मतलब ननिहाल। और मेरा भतीजा है मतलब ददिहाल उत्तराखंड में, मेरी बहन भी रहती है हल्द्वानी में, बड़ी बहन है। और मेरा भतीजा भी बड़ा वाला हल्द्वानी में ही रहता है और छोटा वाला भी वहीं पर रुद्रपुर में है। तो वो बोलता है कि आइए बुआ कभी यहाँ पर घूमने, इसको लेकर पहाड़ घूमने जाना है मुझे कभी टाइम मिले तो। ईशान इतना शैतान बच्चा है, वहां भी ऐसी शैतानी करेगा। एक कन्या फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। और अपना ख्याल रखिए, अब हम लोग मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय टाटा डिंग 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 डिंग